ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 26। हरे कृष्णा राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 25 में भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार को पिठोरी व्रत के विषय में बताया था। अब आज इस अध्याय में वृष पूजन और कुश ग्रहण का विधान का वर्णन सुनेंगे। शुरू करते हैं। भगवान श्री महादेव जी ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो करणीय है उसको तथा प्रसंग वश जो कुछ अन्य बातें मुझे याद आ गई हैं, उसको भी मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले तथा देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शुभ वृषभ अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो नंदी का शरीर विदीर्ण हो गया, उसकी त्वचा कट गई, शरीर से रक्त बहने लगा और उसके प्राण मात्र बचे रह गए। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर मेरा वहन करता रहा। उसकी दशा को मैंने जान लिया था। उसके बाद उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे, तुम बलवान हो जाओगे और तुम्हारा पराक्रम तथा रूप पहले से भी बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त तुम जो जो वर मांगोगे उसे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदिकेश्वर बोले, हे देवाधिदेव, हे महादेव, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। तथापि हे भगवान, लोकापकार के लिए मैं मांग रहा हूँ। हे शिव जी, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है, अतः इस तिथि में वर प्रदान करें कि यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति पूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गेरू आदि धातुओं से प्रत्यन पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनके सींगों पर सोना चांदी आदि के पत्थर, मड़े और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींगों पर बंधे। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढक दे और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दे। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को गांव से बाहर ले जाकर पुनः साय वेला में ग्राम में प्रवेश कराएं। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि अनेक प्रकार का अन्न इस दिन अर्पित करें। जो इस दिन ऐसा करता है उसका गौधन सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय ना हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते हैं। गोबर से लेप किए बिना घर पवित्र नहीं होता। हे सुरोत्तम, जहाँ गौमूत्र से छिड़काव नहीं होता वहाँ चीटियां आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या है। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों को तथा अन्य वरों को भी मुझे प्रदान कीजिए। हे सनत कुमार, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे वृषश्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है सब हो जाए। हे नंदिनी, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता और तृण खाता हुआ तथा जल पीता हुआ जो शांति पूर्वक विचरण करता है तथा महान वीर व बलशाली होता है उसे पोल कहा जाता है। अतः हे नंदिन, उसी के नाम से यह दिन पोला नाम वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट बंधुओं के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वच, मैंने उस दिन ये शेष वर प्रदान किए थे, अतः लोगों के द्वारा इस शेष दिन को पोला नाम वाला कहा गया है। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कुशा ग्रहण का वर्णन करूंगा। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाएं। वे कुशा
सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुशा, काश, भव, दुर्वा, खस, कुंदक, गेहूं, चावल, मुज और घास, ये 10 दर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे दर्भ, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याण कारक होइए। इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ ईशान दिशा में मुख करके ओम फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुशा को उखाड़ ले। जिनके अग्र भाग टूटे हुए ना हो तथा शुष्क ना हो, वे हरित वर्ण के कुश श्राप कर्म के योग्य कहे गए हैं। और जड़ रहित कुशा देव कार्यों तथा जप आदि में प्रयोग के योग्य होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित तथा गर्भयुक्त अग्र भाग वाले तथा 10 उंगल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्र के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्रक बताया गया है और अन्य वर्णों के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भ का ग्रंथि युक्त पवित्रक होता है। ये पवित्रक धारण करने के लिए होता है, इसे मैंने आपको बता दिया। उत्पन्न हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा और 25 दर्भों से विष्टर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्र को नहीं निकालना चाहिए। विकीर के लिए पिंड देने तथा अग्नोकरण करने के लिए और पाद देने के पश्चात पवित्र का त्याग कर देना चाहिए। दर्प के समान पुण्यप्रद पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं है। देवकर्म तथा पितृकर्म ये सब दर्प के अधीन है। इस प्रकार के दर्पों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए, इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए? हे सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत होता है उसे मैंने कह दिया। श्रावण मास में और भी जो करनी है उसे मैं आपसे कहता हूँ। इस प्रकार शिवकंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में अमावस्या के दिन वृषभ पूजन कुशा ग्रहण नामक 26वां अध्याय संपूर्ण। इस 26वें अध्याय के सुनने सुनाने से पशुधन की वृद्धि होती है। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार, भगवान के पवित्र नामों के जयकारे लगाते रहो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।